ਸੱਜਰ ਦੀ ਵੇ ਲੋਣ ਭੱਜ ਗਈ ਮਿੱਤਰਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਦੀ ਦੇ ਪਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਪੱਟ ਪਾਣੀ ਐ ਚੰਗਿਆ ਬਥੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਜਰੇ ਦੀ ਵੇ एओ गीतां दे टप्पे हन जिहड़े अपने वेलियां विच सुपर हिट रहे हन। अते इहनां नूं गाउण वाली गायका दा नाम है कुलदीप कौर। कुलदीप कौर ओ गायका है जिस दे परिवार दे सारे जी गायक हन। सिर्फ परिवार दे जी ही नहीं सगो रिश्तेदार भी प्रसिद्ध गायक हन। इहनां दे पिता गुरनाम सिंह, माता ज्ञान कौर, पति राजेंद्र सिंह उर्फ पिप्पल अते फुआ जी भी प्रसिद्ध गायक सन। सुखवंत कौर सुखी जिसने ज्यादा करतार रमले नाल गाया है कुलदीप कौर दी सकी भैण है। कुलदीप कौर दा बेटा अमनिंदर पाल सिंह उर्फ मुखी सिद्धू भी वधिया गायक है। इस तरह घर विच गायकी दा माहौल होण करके कुलदीप कौर निक्की हुंदी ही गाउण लग गई सी। शुरू विच ओ अपने पिता अते मां नाल प्रोग्रामां ते चली जांदी जिथे उस दे मापे व्याहां विच शेरे पढ़न सिख्या बोलण जांदे सी। घरदिया ने कुलदीप कौर दा गायकी विच जाना पहला ही तय कीता होया सी। इसलई उना ने पटियाला घराने दे संगीतकार उस्ताद बाकर हुसैन तो बाकायदा संगीत दी सिख्या दा प्रबंध कीता। ओ अजे 15 साल दी सी जदों 1975 विच उसदा पहला तवा करनैल गिल नाल आया। AEP रिकार्ड HMV कंपनी विच आया सी जिस विच 4 गीत सन। गल सुन बिशनपुरे पर जाइए। ओ गल सुन बिशनपुरे पर जाइए ना बिनती वी दे मर जाइए देख लै लोकां दियां भरजाइयां पिंड व्याह ते सारा नी तेनू छोटी भैन व्याह दो तेरी रोटी पकण ला दो तकड़ा रख तुझे रावे तिया पड़ जाके भार कटा लिया मुंडा रोंदा ही मेरा वे तू मोहली कुड़ी कुवारी वे मोहली कुड़ी कुवारी वे की चुटकी आखदी मारी वे हाय की ले आवा खांदी नू ना जान गरे का जांदी नू होटलां दे उत्ते बैह के पीण वे ट्रकां वाले होटलां दे उत्ते बैह के पीण वे ट्रकां वाले ठेकिया तो दारू मंगवा के आयो बदनाम हो गए वे मंदा बोल दे जनाने कोल आके मैनू तू पटिया तेनू मैं पटिया हाय मैनू तू पटिया नी मैनू तू पटिया ए मैनू तू पटिया नी मैनू तू पटिया। इस तवे दे 2 गीत हरदेव दिलगीर दे, एक जग्गा गिल नथो हेड़ी दा अते एक गीत गामी संगत पुरिये दा लिखिया होया सी। संगीत के एस नरूला ने दिता सी। इस तवे दे आउण नाल कुलदीप कौर दी गिनती वड्डे गायकां विच हो गई। 1980 विच इसे जोड़ी दा दूजा तवा इनरिको कंपनी विच आया जिस विच 4 गीत सन। गल सोने दी जंजीरी हथी मुंदियां, काढ़नी चो कड़ कड़ खादियां मलाइया, उही कुड़ी चंगी मित्रां दे हक नू विच कुड़ियां दे अख मेरे वल ना करी। गल सोने दी जंगीरी हत्थी मुंदियां, गल्लां तेरियां धरियणां च हुंदियां, जुत्ती कड्डवी गली च खेड़े मार के तू कुड़ियां ना पट मित्तरा। इहनां दिनां विच दीदार संधू नाल स्नेहलता गाउंदी हुंदी सी। उस वेले स्नेहलता दा व्याह होण वाला सी जिस करके दीदार नूं इक होर गायका दी लोड़ सी। धन्ना सिंह रंगीला दी विचोलगिरी नाल कुलदीप कौर दा दीदार संधू नाल सैट बन गया। बेशक 1975 विच करनैल गिल नाल आए तवे दे गीतां विच गायकी, गीतकारी जां संगीत पक्खों कोई कमी नहीं सी, पर कंपनी इहनां तव्यां दी विक्री तो खुश ना होई। 1977 विच HMV कंपनी ने इस गायका नूं रिकार्ड करन तो ए कह के इनकार कर दित्ता कि ए कुड़ी अजे छोटी उमर दी होण करके गायकी लई फिट नहीं, इसदा रिकार्ड नहीं चलेगा। दार संधू ने वड्डा फैसला लेंदिया इस गल दी जिम्मेवारी खुद ले ली कि जे मेरा कुलदीप कौर नाल रिकार्ड ना चलिया तां कंपनी दा सारा खर्च मैं देंगा। ए जदों फिर असीं HM विच मैनू ददार भाजी लैके गए, ओ कहिंदे जी असीं इस कुड़ी दा गीत नहीं करना, अनमच्योर आवाज है इहदी, है ना। भाजी कहिंदे वी जे इहदा गीत ना चलिया ते मैं सारा खर्चा मैं देऊंगा। हां ददार भाजी कहिंदे कहिंदे ओ बेचारी दा पहलों वी चलो करनैल गिल नाल न्यू न्यू गीत सी ओ घट ही चलिया, कहिंदे जे ना चलिया ते मैं खर्चा देऊंगा वी तुसीं इहदा दिल टुट जाओ। जदों तवा आया ता इसने बहजा बहजा करवा दित्ती।
इस तवे दे गीत सन घगरे दी वे लौण पिजगी। मेनू कदे ना वे तू कली नू टकर दा। अख दे इशारे उत्ते हां कर गई। कच दे समान वांगू रखनी पऊ वे जट्ट कच दे समान वांगू रखनी पऊ। अख मेरे विच रखदा वे अख मेरे विच रखदा मेरे पट दे मोर नी पाई वे अख मेरे विच रखदा। इथे दो घटनावां दा जिक्र सुनन वालियां लई दिलचस्प रहेगा। दीदार संधू दी पत्नी अमरजीत कौर दा सुभाव बहुत वधिया सी, इसलिए उस नाल गाउण वालियां गायकावां उन्हां दे घर ही परिवार वांग रहन लग जांदियां सन। ओ सारियां गायकावां नूं बच्चियां वांग समझदी सी। एक दिन दी गल है जदों ए गायक जोड़ी किसे प्रोग्राम तो रात नूं वापस आई तां कुलदीप कौर वेड़े विच किसे काम चली गई। दीदार संधू दी निगाह कुलदीप कौर ते पई। काले रंग दे कपड़ियां विच कुलदीप कौर दे गोरे रंग दी लिशक ने दीदार दे क्रिएटिव मन विच तस्वीर बना दित्ती। मैं तुहानू इक गल दसदी आं कि जिहड़ा घग्गरे दी लौण गीत लिखिया सी जिवें ओह वी मैं अगली पहली भी इंटरव्यू च दस्सिया। ओह भाजी ने लिखिया बई असीं मेरे मम्मी नाल सीगे ते मैं ना ब्लैक सूट पाया होया सी, तकरीबन ब्लैक ही पाई दा है ना। ओह बड़ा चमकड़ा दमकड़ा जिहा सी जिवें ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਮਕਣਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਦਾਰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਮੇਰੇ ਪਈ ਨਾ ਸੂਟ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾ ਖੜ੍ਹ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਦੀ ਲਕੀਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਦੀ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਦੀ ਲਕੀਰਨੀ। ਆਥਣੇ ਸਵੇਰ ਪਵੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰ, ਆਥਣੇ ਸਵੇਰ ਪਵੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰ, ਬਿੱਲੋ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਵਾਂ ਗਲੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘੱਗਰੇ ਦੀ ਨੀ ਲਾਉਣ ਭੇਜ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਗਾਇਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁੱਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖੰਡ ਪਾ ਲਿਆਈ। ਉਸ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਤਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖੰਡ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀਦਾਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਕੱਟ ਜਾਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ, ਜੀਦੇ ਚੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚਟਾ ਲਈਆਂ, ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਕੱਟ ਜਾਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹਰੇ, ਉਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚਟਾ ਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰੇ, ਉਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚਟਾ ਲੀਆਂ। ਦੀਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਤਾਈਓ ਘੱਗਰੇ ਦੀ ਨੀ ਲਾਉਣ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਹੋ ਮੇਰੇ ਘੱਗਰੇ ਦੀ ਵੇ ਲਾਉਣ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਘੱਗਰੇ ਦੀ ਨੀ ਲਾਉਣ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਘੱਗਰੇ ਦੀ ਵੇ ਲਾਉਣ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਘੱਗਰੇ ਦੀ ਵੇ ਲਾਉਣ ਭਿੱਜ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਸਾਲ 16 ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਨਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਬੱਟੀ ਲੂੰ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਏ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਿੱਤਰ ਤਿੱਤਰੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਟੀਲੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਤਿੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟੀਲੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਕਿਆ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਨਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਟੀਲੂ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗਾਏ ਦੋ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਖਾੜੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ।
इस जोड़ी दे होर भी कई गीत प्रसिद्ध रहे जिवे काली बोली रात वर्गा खुश करदून बुकल विच लैके लगिया तोड़ना चढ़िया अख मेरे विच रखदा अख दे इशारे उत्ते हां कर गई लिया पाबी तेरा माल चार दिया। फिर दीदार संधु दा अमर नूरी नाल सैट बन गया अते कुलदीप कौर कुलदीप माणक नाल गाउन लग पई। जदों कुलदीप कौर दा कुलदीप माणक नाल सैट बनिया ता इहना दी जोड़ी सब तो वद समा चली। कुलदीप कौर दी आवाज अखाड़िया लई फिट होण करके माणक नाल सब तो वद जचदी सी। गाउन समय एक दूजे नू टुट टुट के पैण दा सुभा वी रलदा सी। इसलई एक गायक जोड़ी लोकां विच सब तो वद मकबूल रही। कुलदीप कौर ने सब तो वद अखाड़े भी कुलदीप माणक नाल लाए हन। इस जोड़ी दा अखाड़ा पंजाबी फिल्म मावां ठंडियां छावां विच भी फिल्माया गया। इहना दे कई गीत हिट होए जिवे प्यार दा चौथा गेड़ा जनतावे चुप जा चुप जा जनतावे चुप के कर ले नेरा मेरी पहली पूरी प्यार दा चौथा गेड़ा लगियां दा कर्ज उतारूंगी हाण दा मुंडा नी मेरा दिल मंगदा मां जागदी खंगूरे बापू मारे बोलियां ना मार मित्रा। होर गायका नाल गीता दियां गल्लां करन तो पहला ए दसना भी जरूरी है कि इस प्रसिद्ध गायका दा जन्म हरियाणा विच जिला हिसार दे पिंड बबड़ान विच 1960 नू होया। पिता गुरनाम सिंह ते माता दा नाम ज्ञान कौर है। कुलदीप कौर दा व्याह पिंड पाका जिला मुकतसर विच मरहूम गायक राजेंद्र सिंह नाल होया सी। इहना दा एक मुंडा है जिस दा जिक्र पहला कर आए हां। कुलदीप माणक तो बाद इस गायका दा सुरिंदर छिंदा नाल सैट बन गया। इस जोड़ी दा एक एलपी रिकॉर्ड आया जिस दे गीत कुंड चक मार दे सलूट गोरिये ने चारे पासे धूम मचा दित्ती। चले पौर परदेसी केरा कुंड चक मार दे सलूट गोरिये चढ़दी जवानी मेरी डुल डुल पेंदी लाके बह गयो ट्रक दा तू घेर हाणिया चढ़दी जवानी मेरी डुल डुल पेंदी लाके बह गया ट्रक दा तू घेर हाणिया वे छेती घर मुड़े आवी नहीं ता टुक जू पियोंदी कोई बेर हाणिया वे छेती घर मुड़े आवी वे छेती घर मुड़े आवी नहीं ता टुक जू पियोंदी कोई बेर हाणिया वे छेती घर मुड़े आवी। उस दे छिंदे नाल होर भी बहुत सारे गीत रिकॉर्ड होए जिना विच फिर खतरा हुंदा इज्जत नू जदों घर विच ती मुटियार फिरे घगरे दा फेर देख के थानेदार ने कचहरी बंद कीती जेठावे तेरा होवे मंगना कुंड काट के सलामी तेनू पौनी कुलदीप कौर ने सुरिंदर छिंदे नाल 5 साल दे करीब गाया। इस गायका ने करतार रमले नाल 2 साल दे करीब गाया जिना दे कई गीत प्रसिद्ध होए जिवे सुई दे नखारे थानी करता बहु ने रब नी चेते आउंदा अन्ने बारे तेरी की सलाह सुई दे नखारे थानी करता बहु ने मुंडा कंधा रख दिने ते। होर भी कई गायका नाल गाउन तो बाद जदो रिकॉर्डां दा समा लंघ गया ता कैसेटां दा युग आ गया। जसवंत सिंह संदीला नाल भी कुलदीप कौर दे कई रिकॉर्ड होए जिना विच तेरा छड़ता शहर लुधियाना मैं नी बचदा तेरे बिना पानी दी छपड़ी जो एदा दिना च मैं सुख जाना सच्ची औखा हो जाऊगा तेरा छड़ना शहर लुधियाना।
कुलदीप कौर ने अपनी कैसेट कंपनी सोनाटोन बना ली। इसे कंपनी विच अपनी सोलो कैसेट कड्डी सोने वर्गी नार। इस तो बाद इस गायिका दे गाए सोलो गीतां दियां कैसेटां भी मार्केट विच आईयां हन, जिन्हां विच मोरनी जट्टी, देसी मेम, पहरा पाबियां ने लाया अते गबरू नाल अख लड़ गई आदे। कुलदीप कौर दा एक सोलो गीत हर पंजाबी दी जुबान ते रहा है, जिस विच ओ भगत सिंह दी भैण वल्लों शब्द आख रही है, भैणा वर्गा साक ना कोई। उसने अपने बेटे अमनिंदर पाल सिंह उर्फ मुखी सिद्धू नाल एक गीत दस सोहणियां वे रहना किन्ना चिर दूर भी गाया है। मैनू दस सोहणियां वे रहना किन्ना चिर दूर, कोई चंद ना चढ़ावे साडी हाय अखियां दा नूर। मैनू दस सोहणियां वे रहना किन्ना चिर दूर। अजकल एक गायिका लुधियाना विच रह रही है। इहना दा बेटा गायकी दे नाल नाल बिजनेस विच लग्या होया है। कुलदीप कौर नू माण है कि उसने जो गाया उसनू लोका ने पसंद कीता। इस वेले एक गायिका ज्यादा अध्यात्मिक राह ते ही चल रही है, पर कदे वधिया प्रोग्राम मिले ता गावी लेंदी है। असी अपने चैनल देसी रिकॉर्ड वालों अते अपने सुनन वालियां वालों परमात्मा अग्गे अरदास करदे हां कि एक गायिका तंदरुस्ती अते खुशहाली दा जीवन बतीत करे। सत श्री अकाल।